नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर में और आपके साथ में हूं अक्षय बिदुआ। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हार मान ली है। जी हां, ये बड़ी खबर इस वक्त। डिप्टी सीएम अपनी हार मान चुके हैं, केशव प्रसाद मौर्य अपनी हार मान चुके हैं। वो स्वीकार कर चुके हैं कि जनता के बीच जाकर बीजेपी को जो काम करना चाहिए था उसका जो क्रेडिट जनता उन्हें देती वो नहीं मिला है, मैंडेट नहीं मिला है, गठबंधन की वजह से हमारी हार है, ये केशव प्रसाद मौर्य ने मान लिया है। यानी कि अभी तक वो ये नहीं मान रहे हैं कि कुछ काम करने में, कुछ प्रयासों में कमी रही है या जनाधार जो खिसक रहा है उसकी वजह ये है कि आप जनता के बीच में बैठ वो जगह नहीं बना पाए हैं, जनता ने आपको वो उतना सराहा नहीं है जिस हिसाब से आप अपनी दुहाइयाँ देते हैं काम की। लेकिन अब जो कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, वो ये कह रहे हैं कि हमें गठबंधन की वजह से हार मिली है, यानी वोट जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ गठबंधन की वजह से और इसी वजह से हम हारे हैं। अभी भी हार की जो समीक्षा है वो ये कहते हुए कि कोई गलतियां रही हैं या जनता के मानसिकता पर वो असर नहीं छोड़ पाए हैं, वो छाप नहीं छोड़ पाए हैं, जनता की पसंद नहीं बन पाए हैं, ये स्वीकार अभी भी नहीं है। मैं मानता हूँ, इतना मैं नहीं मान रहा था कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में बसपा जो उसका वोट है उसे इतना ट्रांसफर कराने में कामयाब होगी, क्योंकि जब हम अपना कैंडिडेट लेकर के आए थे उस समय सपा और बसपा एक नहीं थे, और जब चुनाव के लिए मतदान होना था उस समय तक दोनों एक साथ आ गए, कांग्रेस भी आंतरिक समर्थन किया, और उसके कारण से हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को बढ़त मिल रही है। लेकिन अंतिम परिणाम आने के बाद हम सारे लोग, संगठन के लोग, पार्टी के लोग, सब लोग बैठेंगे और इसकी समीक्षा करेंगे कि इसका कारण क्या था, और भविष्य में अगर सपा बसपा कांग्रेस तीनों साथ आकर के लड़ेंगे तब इनको कैसे परास्त करना है और 2019 में कैसे विजय प्राप्त करना है इसकी रणनीति बनाएंगे। तो चलिए, ये सुनने में थोड़ा ठीक लगा इस बार जो डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर ये गठबंधन आगे चुनाव लड़ता है तो इसको परास्त कैसे करना है, इस पर कम से कम विचार विमर्श होगा। एके मिश्रा हमारे साथ, हमारे राजनीतिक विश्लेषक लगातार बने हुए नोएडा स्टूडियो में। एके मिश्रा, इलेक्शन से पहले हमने सुना कि ये तो बुआ बबुआ का मेल है, ये तो सांप और नेवले की दोस्ती है, जब बाढ़ आती है तो सांप और नेवला एक साथ हो जाते हैं। अभी अच्छा लगा सुनकर कि अगर वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बसपा और सपा अगर मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो कैसे परास्त करना है इस पर चर्चा होगी, यानी कम से कम आप ये तो मान रहे हैं कि अब कॉम्पिटिशन टफ होने वाला है। नहीं देखिए, मैं आपको बता दूं, सपा बसपा या विपक्ष में आप देखिए दो या दो से ज्यादा पार्टियों ने, और यहाँ फूलपुर और इन सब के इलेक्शन में देखिए, गठबंधन करके बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से इन्होंने वोट बंधन कर लिया। शब्दों पे एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, गठबंधन करके वोट बंधन करने में सपा और बसपा सफल रहे हैं। अच्छा, अभी कल परसों तक आप देखिएगा तो हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय श्री मौर्य जी का कहना था 60 हमारा है बाकी 40 में बंटवारा है। अब ये फॉर्मूला ही उलट गया, मुझे लगता है 40 उनका है और बाकी 60 जो है ये गठबंधन का चला गया, और ये इतनी बड़ी शिकस्त है। शिकस्त देखिए, मैं दो चीजें बोलता हूँ, एक मामले में ये शिकस्त है और एक मामले में मैं और भी बोलता हूँ। अगर आप पर्दे के पीछे देखेंगे तो भाजपा के केंद्रीय प्रशासन में या केंद्रीय नेतृत्व में कान पे जूं भी नहीं रहनी है, उसके मैं लॉजिक आपको दूंगा। एक पॉलिटिकल एम्बुश एक वर्ड होता है, उसको भी मैं डिस्क्राइब करूंगा। लेकिन यहाँ पे ये जो था, ये व्यक्तिगत जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री योगी जी और उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य जी, ये उनकी नेतृत्व क्षमता, उनकी रणनीतिक क्षमता के ऊपर ये चीज एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्वेश्चन ये उठेगा, बीजेपी हाईकमान वाले ये पूछेंगे कि भाई जब हाईकमान रहेगा तो आप इतने अंतर से जीतते हो, और हाईकमान नहीं है तो आपकी क्षमता ये है। तो ये लोग हार जीत से ज्यादा दुखी नहीं है, इस चीज से ज्यादा दुखी है कि इनको एक बार ये समझ में आ गया, बीजेपी ये बोलेगी कि भाई सेंट्रल कमांड जो टीम है वो सेंट्रल कमांड है, उसके बिना आप लोगों का, आप लोगों की नेतागिरी का कोई अस्तित्व नहीं है। ये इनके लिए इंडिविजुअल एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जिसकी इंपॉर्टेंस मैं देता हूं और जो मैं देख रहा हूं 2019 के। देखिए, ऐसे ही मैं जीतने वाली पार्टी को, सपा बसपा को भी मैं बोलना चाहूंगा, आप जीत रहे हैं या जीतेंगे, जो भी जीतेंगे मेरी तरफ से उनको बधाई है और खुश होने का उनके लिए मौका है। लेकिन 2019 की जो चुनौती है, इस जीत की खुशी में आप इतना ना खो जाइएगा कि एक साल केवल ऐसे ही बस खुशी मनाने में गुजर गया, दो सीटों से आप सरकार नहीं बना पाओगे। एक बहुत बड़े लेवल पे आपको तैयारी करनी है और माइक्रो लेवल पे आपको चेंजेस करने हैं। चलिए, आइए सपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद क्या कह रहे हैं ये सुनते हैं, आइए।
समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं प्रवीण जी, क्या प्राथमिकताएं होंगी और क्या आप इस रिजल्ट से जो हो रहा है संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, शुरुआत में कुछ दिक्कतें हुई, अटकलियां पड़ी, प्रशासन के द्वारा हम लोगों के माननीय जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर साहब महोदय और जो यहाँ पे ऑब्जर्वर साहब उपस्थित हैं उनके कार्यकलापों द्वारा हम लोगों को संतुष्ट किया गया कि आज के दिन निष्पक्ष चुनाव का जो मतगणना होगा। और मैं माननीय ऑब्जर्वर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो निष्पक्ष चुनाव कराकर जनता को जो जनता का मान सम्मान स्वाभिमान है उसको बरकरार रखने का काम किया। तो ये थे हमारे साथ प्रवीण कुमार निषाद जी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिनका ये साफ कहना है कि शुरुआत में दिक्कतें थी लेकिन अब ठीक चल रहा है मतगणना। गोरखपुर से हिंदी खबर के लिए विक्रांत सिंह। सुनील सिंह साजन इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील सिंह साजन, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। और लगभग इस वक्त जो रुझान हम देख पा रहे हैं और जीत की ओर सपा अग्रसर है, तो इसके लिए सबसे पहले शुभकामनाएं आपको, बधाइयां। सुन पा रहे हैं आप? तो इस वक्त आपको ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं जीत की ओर बढ़ती हुई समाजवादी पार्टी गोरखपुर फूलपुर में। रुझान लगातार आ रहे हैं, फाइनल अनाउंसमेंट घोषणा जब तक इस बात की नहीं होती तब तक ये रुझान आते रहेंगे, क्योंकि मतगणना का दौर चल रहा है, अभी गिनती खत्म नहीं हुई है। गोरखपुर में, फूलपुर में समाजवादी पार्टी को एक बड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरों में हर्षोल्लास लगातार आपको हम बता रहे हैं और हम तक जो जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें हम देख सकते हैं कि बसपा और सपा गठबंधन ने जो एक नई शुरुआत की है, और जैसा कि इलेक्शन के पहले, चुनाव के पहले कहा जा रहा था, इसका भी टेस्ट होना है। एके मिश्रा, क्या हम मान लें कि ये टेस्ट में पास हो चुके हैं? खुलता बक्सा, अभी एक 15-15 राउंड, 20-20 राउंड, 30-30 राउंड हो गया, खत्म, अभी तक घोषणा नहीं हुई। ये तो बहुत गलत, पहली बार हम लोग देख रहे हैं, इससे पहले हमने यूनिवर्सिटी में निश्चित रूप से गड़बड़ करने का इनका इरादा है। नहीं, इरादा नेक होते तो गणना करा के अब तक फाइनल करते। 227 और इस वक्त आप देख रहे हैं राम गोविंद चौधरी मायावती से मिलने के लिए पहुंचे हैं, ये मुलाकात की तस्वीरें। नरेश उत्तम समाजवादी पार्टी से फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश उत्तम साहब, ये जो इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं, ये एक जनता का जो जनादेश आप लोगों को मिला है, जो प्यार मिला है, वो लगभग साफ हो चुका है, क्या कहेंगे? सबसे पहले शुभकामनाएं आपको। ये जनता की जीत और सच्चाई की जीत है। ये अखिलेश यादव जी के सच्चाई और ईमानदारी के जो नेतृत्व है, जो विकास परक नेतृत्व है, उसकी जीत है और ये जनता की जीत है। तो ये आप मानते हैं कि गठबंधन जो है, और जो इलेक्शन के पहले हम ये कह रहे थे कि गठबंधन का टेस्ट होना है, तो ये गठबंधन आप लोगों को फला है, आगे भी आप इस पर अडिग रहेंगे, ऐसे ही काम करेंगे? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो भी इन धर्म निरपेक्ष रहेगा उसका हम लोग सबका स्वागत करेंगे, सहयोग देंगे और सहयोग लेंगे। ठीक है, लेकिन अब बड़ी चुनौती होगी कि आपके जीते हुए उम्मीदवार हैं वो सत्तारूढ़ पार्टी के शासन काल में इन दो सीटों पर कैसे जनता के सामने खुद को प्रूफ करेंगे, काम कैसे कर पाएंगे? काम पूरा करेंगे, जो माननीय सांसदों को विकास का धन मिलता है वो बराबर मिलता है, चाहे भाजपा का हो चाहे सपा का हो, उस धन से और जनता का सबसे बड़ा प्यार, सबसे बड़ी जानते थी जनता ये सरकारी पार्टी के नहीं है। सरकारी पार्टी की जो नाकामियां हैं, जो वादा खिलाती है, जो गलतबयानी है, जो झूठे वादे हैं, उससे त्रस्त आकर के प्रदेश की जनता ने वोट दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है, इससे समाजवादी पार्टी के लोग जीत रहे हैं। हम सभी उन मतदाताओं को और जनता को धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं। लेकिन आपने कहा कि ईमानदारी का ये फल है, अखिलेश यादव की अच्छी नीतियां हैं उसका फल है, ईमानदारी बीजेपी को किसकी सजा मिली? अखिलेश यादव जी ने जो इस प्रदेश में विकास ईमानदारी से किया जी, इसीलिए जनता ने समझ लिया कि अखिलेश यादव जी का जो एजेंडा था, अखिलेश यादव जी का सोच था, जो उन्होंने कार्य किया वो सत्य है और भाजपा के लोग झूठे हैं। इन्होंने शब्दबाज दिखाया, इन्होंने जुमलेबाजी किया, इन्होंने जनता को धोखा दिया। तो बीजेपी को सजा किस बात की मिली है? बीजेपी को उनके झूठे वादों का, वादा खिलाफी के वजह से उनको ये सजा मिली है। नहीं, एक वर्ष के अंदर कोई सरकार, वो भी मुख्यमंत्री का क्षेत्र और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का क्षेत्र हार जाए, इससे बड़ा उत्सर्ना क्या हो सकता है? ये सच्चाई की जीत है,
ईमानदारी की जीत है और जनता की जीत है। तो कुल मिलाकर गठबंधन का फैसला आप लोगों के लिए लाभप्रद रहा है। जी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमें आपका कीमती समय देने के, नरेश उत्तम समाजवादी पार्टी की ओर से। और ये तस्वीरें फिर एक बार आपके सामने है, ये बार बार जो आप बहुजन समाज पार्टी का झंडा देख रहे हैं, बैनर देख रहे हैं, तो ये गठबंधन के लोग हैं जो बसपा के भी समर्थक हैं और साथ ही सपा के भी समर्थक हैं। तो जब पार्टियों का गठबंधन है तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ता भी एक साथ नारे लगाएंगे, जय घोष करेंगे और जश्न भी साथ मनाएंगे। तो एक मिश्र सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये जो है जैसा कि हम बता रहे हैं, गठबंधन जब हो रहा था तो ये कहा गया विपक्ष की ओर से, सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से, कि ये जो है सांप और नेवले की दोस्ती है, जब बाढ़ आती है सांप और नेवला एक साथ हो जाते हैं, बुआ बबुआ, विचारधारा अलग अलग है फिर भी अब एक साथ हो रहे हैं। जिन्होंने गठबंधन किया उन्होंने ये कहा कि हम सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए एक साथ आ रहे हैं। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चुनावी गठबंधन नहीं है, ये सिर्फ एक तरीके का समर्थन है, हम सपोर्ट कर रहे हैं, बस हम उम्मीदवार खड़े नहीं करके हम न्यूट्रल। नहीं नहीं देखिए, ये सब पॉलिटिकल में अगर आप एरिना में देखेंगे तो ये सब सिर्फ ये चीजें हैं कि अपने आप को मास्क करने के लिए, डिस्गाइज करने के लिए पब्लिक के सामने ये चीजें बोली जाती हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में आप ये देखिए, पूरी जिंदगी लोग पॉलिटिक्स में गुजार रहे हैं तो चुनाव में क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? दूसरों को जिताने के लिए करते हैं। उनके निहित स्वार्थ क्या होते हैं? हर पॉलिटिशियन का, हर वो आदमी जो राजनीति में है, उसका पहला उद्देश्य होता है कि वो चुनाव जीते, और चुनाव जीतने के लिए जो भी तरीके होते हैं अपनी अपनी समझ के हिसाब से बेस्ट उस टाइम पे सब लोग करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, भारतीय राजनीति में मत बंधन यानी वोट बंधन करने का अभी भी एक बड़ा अभीष्ट तरीका है जो कभी फेल नहीं होता है, वो गठबंधन होता है। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, बिहार का इलेक्शन बेस्ट एग्जाम्पल है। बिहार इलेक्शन में नीतीश और लालू जी का जो गठबंधन था, 1,25,00,000 रुपए जो है प्रधानमंत्री मोदी ने डिक्लेयर किया था, इतना होने के बाद भी वो तीसरे नंबर पे आ गए। बाद में क्या हुआ कैसे हुआ वो डिफरेंट चीज है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि भारतीय राजनीति में अभी भी जो है मतबंधन करना है तो सबसे अभीष्ट फार्मूला वो जो है आपका गठबंधन है। और इसी के लिए सारी पार्टियां अपने जो है सारे मतभेदों को बुला करके, भले एक दूसरे के दुश्मन हो, आइडियोलॉजी उनकी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी है, लेकिन जब देखते हैं कि अब और कोई रास्ता नहीं है तो वो घूम फिर के गठबंधन के रास्ते पे आ जाते हैं। ठीक है, विनय सिंह हमारे संवाद हमारे साथ बने हुए, विनय सिंह रघुवंशी इलाहाबाद से। तो विनय, यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो आवाम है, वो ये बात पहले से तय करके बैठी थी कि समाजवादी पार्टी का काम उनको अच्छा लगा, अखिलेश यादव का शासनकाल उनको ज़्यादा अच्छा लगा बीजेपी के पास, क्योंकि अब जो सपा के उम्मीदवार जो हैं वो जीत चुके हैं, सपा के नेता जो है वो यही कह रहे हैं कि वादा खिलाफी के खिलाफ जनता ने बीजेपी को हराया। जी जी बिल्कुल अक्षय जी, मैं बता दूं कि जैसा कि सुबह भी हम लोग ने एक डिबेट दिखाया था जो फूनपुर की जनता से बातचीत किए थे, उसमें साफ तौर पे मतलब 80% जनता का यही दिख रहा था कि जो बीजेपी को आखिरी बार किसी भी तरीके से इसको हराने का ये पूरा गठबंधन किया गया था जो सपा और बीएसपी ने किया था, जो यहाँ पर एक सफल रूप से दिख भी रहा है। और अभी तक तकरीबन 35,000 से ऊपर जो सपा जो है वो आगे चल रही है बीजेपी कैंडिडेट से, तो एक कहीं ना कहीं ये बीजेपी को एक झटका भी दिया है, क्योंकि ये 2019 का एक इसको सेमीफाइनल भी माना गया था और ये दोनों पार्टियों के लिए नाक का सवाल बना था, चाहे वो बीजेपी की बात करें चाहे वो बीएसपी और सपा की बात करें, क्योंकि यहाँ पर बीएसपी ने सपा को सपोर्ट किया था तो ऐसे ये भी देखा जा रहा था कि बीएसपी का सपोर्ट करना कितना सपा को लिए फायदा मिलेगा। तो अगर तो जाहिर तौर से अब इसमें मतलब तकरीबन 23 राउंड हो चुके हैं और 23 राउंड में अभी तक 35,000 से ऊपर वोटों से जो सपा कैंडिडेट है नागेंद्र प्रसाद सिंह पटेल को आगे चल रहे हैं, कौशलेंद्र सिंह पटेल से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो ऐसे में जीत बहुत करीब है और ये कहीं ना कहीं 2019 में बीजेपी को एक झटका दे सकता है, क्योंकि मतलब जिस तरीके से ये रुझान आ रहा है और लगातार रुझानों में देख रहा हूँ कि बढ़ोतरी हो रही है सपा की जो वोटिंग। विनय, समझ ये भी समझना होगा थोड़ा सा कि इससे बसपा को फायदा क्या है? बसपा ने तो समर्थन दिया सपा को, सपा उम्मीदवारों की जीत हुई, बसपा को यहाँ पर क्या फायदा हुआ? देखिए एक ये भी चीजें पहले से ही तय हो रखा था कि जो मोदी राज है, जो योगी राज है, उसको रोकना है, उसको रोकने के लिए मैंने कुछ भी करने के लिए तैयार थे, जिसमें आखिरी दम पर बीएसपी ने सपा का साथ दिया कि ये किसी भी हाल में 2019 में दोबारा से ये सरकार ना आ सके, उसके डेमो के तौर पर ये उपचुनाव जो
दोनों अहम सीटें थी, जैसे कि गोरखपुर और फूलपुर सीट है दोनों। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की सीट है और ये डिप्टी सीएम की सीट है। तो ये दोनों सीटों पे ये कब्जा जिताकर ये दिखाना चाहते थे कि 2019 में बीएसपी और सपा मिलकर इस रथ को रोक सकती है, योगी और मोदी रथ को रोक सकती है। ये तमाम को देने के लिए इसको बीएसपी ने सपा का साथ दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको विनय सिंह हमसे जुड़ने के लिए, इलाहाबाद से अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। मिश्रा जी, ये सवाल बीएसपी को फायदा क्या हुआ? नहीं देखिए, फायदे दो तरीके के होते हैं, मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। ठीक है, देखिए हो सकता है यहाँ पे प्रत्यक्ष कोई फायदा ना रहा हो, यहाँ पे कैंडिडेट जो है आपके समाजवादी पार्टी का हो, लेकिन सबसे पहला फायदा ये है कि एक लिटमस टेस्ट लेने के लिए और एक ये जो भय की प्रवृत्ति विपक्षी पार्टियों में, भाजपा लगातार जो है सब जगह चुनाव जीतती जा रही थी तो सारे विपक्ष में एक ये क्वेश्चन मार्क उनके बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि भाजपा को कैसे रोका जाए। तो डायरेक्ट फ्रंट पे ना आते हुए बीएसपी ने जो सपोर्ट दिया है वो एक लिटमस टेस्ट था कि भाई ये फार्मूला हिट होता है, सक्सेस होता है कि नहीं होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखिए मैं बिना किसी लाग लपेट के आपको बताऊंगा कौन जीते कौन हारे, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं उस तरीके से भी बीइंग अ पॉलिटिकल कंसल्टेंट मेरी एनालिसिस ऐसे नहीं रहती है कि जी जनता ने वादा खिलाफी के कारण वोट दिया। हम तो डायनामिक्स को पकड़ते हैं सर। अगर देखिए डायनामिक्स को देखा जाए, और मैं फूलपुर सीट के लिए मैंने बहुत पहले डिक्लेयर किया था भले ही सब लोग बोल रहे थे भाजपा, तो यहाँ पे ये जो हार और जीत है, देखिए सेंट्रल पार्टी बीजेपी की जो सेंट्रल पार्टी है उनका कोई रोल नहीं था। अगर सेंट्रल पार्टी बीच में कूदती है इलेक्शन मैनेजमेंट में तो उसके इम्पैक्ट दूसरे होते हैं। ये सारा का सारा जो दारोमदार है वो क्वेश्चन मार्क उठेगा जो लोकल बॉडीज हैं जिन्होंने इस इलेक्शन को मैनेज किया, जो लोकल लीडर है, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य जी हो चाहे योगी जी हो, पहली चीज। दूसरी चीज, इससे बेनिफिट क्या होगा? देखिए बेनिफिट 2019 के इलेक्शन के लिए सबसे पहला बेनिफिट देखिए इसका, मैं ये मानता हूं ना कि अगर पार्टी में जीत का अकाल पड़ा हो आपकी सारी। सिद्धार्थनाथ सिंह है लखनऊ से, कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। नतीजे अब आप किस तरीके से देख रहे हैं? जो देखिए जिस प्रकार से जो नतीजे आए हैं आ रहे हैं वो स्वाभाविक है कि हम लोग को संतोषजनक नहीं है, मगर एक चीज और भी समझनी पड़ेगी कि चुनाव चल रहा था, समाजवादी पार्टी को दिख गया था कि वो हार रही है और हारते हुए उसने एक सहारा लिया और बीएसपी का सहारा लिया, वो उसको उसका फायदा मिला है, वोट ट्रांसफर हुए हैं। तो हमें भी इस अपनी रणनीति को चेंज करना पड़ेगा। अभी तक यह था कि समाजवादी और बीएसपी नहीं आएगी, अब मैं कहूँगा समय बहुत लंबा है लोकसभा चुनाव के लिए, हम लोग को पहले से अब समझ आ गया, तो अपनी रणनीति उसी आधार पर बनेगी, ड्राइंग बोर्ड पर फिर जाना है और फिर हम बनाएंगे। और संघर्ष करने वाली ये पार्टी है इसलिए हमें चिंता नहीं है, मगर उस पर एक नई रणनीति से हमें आना पड़ेगा। और जब आएंगे तो ये जरूर है कि जो जनता है जो विकास चाहती है, विकास कर रही है ये पार्टी, चाहे केंद्र में हो या राज्य में, वो हम लोग को वोट जरूर देगी। तो आपको नहीं लगा कि पूरा कर रहे हैं सरकार के, आपके दावे थे कि बहुत विकास हुआ, बहुत काम किया योगी सरकार ने, आप लोगों ने, वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हुए, या सपा बसपा का जो एकदम अलायंस हुआ वो उसको अंडरएस्टिमेट किया पार्टी ने? नहीं, हमने पहले सोचा ही नहीं था कि सपा और बसपा का होएगा, तो ये हमारी रणनीति का हिस्सा नहीं था। और जब आप चुनाव में जाते हैं तो रणनीति बना के जाते हैं, तो हम सपा पर अटैक कर रहे थे, बीएसपी फील्ड में नहीं थी, लड़ नहीं रही थी, तो वो एक कमी हमें फिर महसूस हुई जब वो दोनों एक साथ हो गए, तो उसमें गैप हमें कम मिला, समय भी कम मिला। तो एक गणित जो था जनता को भी और वोटर को भी समझने का, उतनी जल्दी समझ नहीं आया, और विकास शायद उन लोग की दृष्टि से वो थोड़ा पीछे। तो कुल मिलाकर ये इस वक्त जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं जश्न है, जश्न का माहौल है सड़कों पर, आप देख सकते हैं फूलपुर गोरखपुर और उनकी तमाम अपनी इलाकों में क्षेत्र में किस तरीके से सारे गठबंधन के जो समर्थक हैं वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बसपा के कार्यकर्ता जयघोष कर रहे हैं। एक मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जी मिश्रा जी, हम चर्चा इस पर कर रहे थे कि ये गठबंधन के टेस्ट में पास हो गया 2019 के लिए। नहीं देखिए, मैं आपको बताऊंगा, मैं एक टर्म बार बार यूज करता हूँ, पॉलिटिकल मायोपिया या पॉलिटिकल इल्यूजन। विपक्ष को मेरी बड़ी विनम्र सलाह है कि आप इसको ये मत देखिए कि आप यहाँ जीत गए हैं तो आप 2019 में जो है आप जीत जाएंगे। देखिए फुल स्केल वॉर और लिमिटेड वॉर में बड़ा फर्क होता है।
पूरे इलेक्शंस को, पूरे इंडियन पॉलिटिक्स को मैं किसी एक जंग या वार से कम नहीं मानता हूं। तो फुल स्केल वार जब 2019 पे होगा तो वहां मुद्दे, वहां डायनामिक्स, मैं बोलता हूं कि चलिए एक जरा फर्ज करिए, एक सिचुएशन को इमेजिन करिए, 2019 में अगर ये मान लीजिए 2019 या स्टेट का इलेक्शन होता है, ये दोनों पार्टी गठबंधन बनाने जा रही हैं, तो सबसे पहला झगड़ा तो इसी चीज पे होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा जी, लीडर कौन बनेगा। आपको लगता है कि बहन जी यानी मायावती जी, जिनका जिनकी सोच जो है, मतलब मानसिकता की मैं बात कर रहा हूं, वो क्या इस चीज से कंप्रोमाइज करेंगे कि भाई जीत के बाद एक जो है मतलब उनसे आधी उम्र का एक लड़का मुख्यमंत्री बन जाए? कभी नहीं। ऐसे ही समाजवादी पार्टी वाले भी ये बोलेंगे कि भाई जीतेंगे तो मुख्यमंत्री हम बनेंगे। तो ये सबसे बड़ा रोड़ा रास्ते में आ जाता है। सेम इज द कंडीशन कि अगर आप सेंटर में जब जाएंगे तो एक बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि भाई जीतने के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा? कांग्रेस हमेशा चाहेगी कि उनके कैंडिडेट जो है या उनके अध्यक्ष राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। तो ये क्वेश्चन को मिटाना, इरेज करना या इसका सलूशन लेना विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल चीज है। विपक्ष जल्दी से इस चीज पे एकत्र नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ देखिए बीजेपी को मैं आपको फिर मानूं, मैंने ठीक अभी जो बीजेपी के नेता बोल रहे थे ये चिंता का विषय नहीं है, उनके ठीक 5 मिनट पहले मैंने यही बोला था कि बीजेपी के माथे पे टॉप लीडर पे चिंता की कोई लकीरें नहीं दिख रही है। हार गए बहुत कैजुअल वे में ये लोग ले रहे हैं, हार को हार की तरह नहीं दिख रहा। जैसे देखिए बिहार में जब ये हार गए थे तो एवरीबॉडी वाज शॉक्ड, बीजेपी के जितने टॉप लीडर थे, वो बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, पॉलिटिकल काइनेसिस एनालिसिस करने से। यहाँ पे तो ये लग ही नहीं रहा है बीजेपी, जैसे कि ये प्रिपेयर्ड थे भाई ठीक है हार जाएंगे, तो मतलब कोई बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। और ये फैक्ट है कि हार या जीत से बीजेपी के ऊपर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चेंज होने वाली है। बीजेपी 2019 के इलेक्शन में है, हारने के बावजूद भी, देखिए क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हारने के बावजूद भी बीजेपी को इससे क्या फायदा होगा? और ऐसा भी कुछ नहीं है जो ये लोग बोल रहे हैं कि जी हम, देखिए बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, ऐसा नहीं है कि उसने इन सब चीजों पे नहीं सोचा था कि बीएसपी क्या कर लेगी, सपा क्या कर लेगी। वो हर चीज के लिए तैयार है, उसके पास मैन पावर इतना है, सब कुछ है, सारी नीति रणनीति वगैरह सब कुछ वो 2 साल पहले से शुरू करते हैं, हर ऑप्शन के लिए वो तैयार रहते हैं। इसको बीजेपी की हार को, देखिए गुजरात में बीजेपी की हार के लिए मेरा क्लोजिंग स्टेटमेंट ये था कि बीजेपी ये चुनाव जीत कर के भी हार गई है। 7-6 सीटों से जीतना हारना बीजेपी जैसे, उसके लिए वो मैं उसको जीत नहीं मानता हूँ। इसके लिए भी अगर ये यहाँ पे विपक्ष जीतता है तो मेरा क्लोजिंग रिमार्क ये रहेगा कि ये जानबूझ करके जो जीत का गेंद है वो विपक्ष के पाले में बीजेपी ने डाल दिया है, और उसके कई रीजन है। इनडायरेक्ट वे में बीजेपी को कई फायदे उससे मिलते हैं। 2019 के इलेक्शन से मैं इसको कोरिलेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन विपक्ष के लिए मेरी शुभकामना ये है कि इससे विपक्ष को फायदा ये होगा कि इतने दिनों से जीत का जो अकाल पड़ा था, पार्टी में जो जोश नहीं था कार्यकर्ताओं में, ये उनके लिए संजीवनी की तरह काम करेगा। आप देखिएगा पूरी पार्टी के लोग लामबंद हो जाएंगे, सारे कार्यकर्ता एक बार उत्साहित हो जाएंगे, 4-6 दिनों तक मिठाई बटेगी, पार्टियां मतलब कि इनके पार्टी ऑफिस में सारे नेता लोग मिलेंगे और फिर बोलेंगे कि 2019 में भी कुछ ऐसा किया जाए, एक्टिव हो जाएंगे। ये लोग जो अभी डोरमेंट फेज में चले गए थे, बीजेपी ने इनको डोरमेंट फेज में डाल दिया था, अब ये फिर से सारे लोग एक्टिव हो जाएंगे और विपक्ष के लिए ये बहुत अच्छी चीज रहेगी। मैं तो देखिए मैं बोलता हूं कि राजनीति में, भारतीय लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है, वो चाहे कोई पार्टी विपक्ष में हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे विपक्ष एकदम शांत बैठ गया है, उनके पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं है, अपोज करने के लिए भी कुछ नहीं है, और कमोबेश सिचुएशन ये हो गई थी। जब आपके रिप्रेजेंटेटिव हाउस में नहीं है, लोकसभा में, विधानसभा में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो ये एक घटना ऐसी है जिससे कि विपक्ष जो है पूरा का पूरा एक्टिवेट हो जाएगा, और कांग्रेस भी एक्टिवेट, और दूसरी और विपक्ष की पार्टियां हैं वो पूरे देश भर में एक्टिवेट हो जाएंगी। तो इससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी 2019 के चुनाव में, और बहुत जीतोड़ मेहनत उनको एक नए सिरे से सोचना पड़ेगा, नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ेगी। लेकिन इस सबके बाद में जो टेस्ट हमें गठबंधन का होते हुए देखना था, जैसा आप बता रहे हैं कि 2019 में कोई गारंटी नहीं, अगर आप अभी पास हो गए, क्योंकि वो सिनेरियो अलग होगा, उस इलेक्शन की डिमांड अलग होगी, उस इलेक्शन का माहौल अलग होगा, लेकिन इसमें कुल मिलाकर बीजेपी को नफा हुआ नुकसान हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए प्रत्यक्ष रूप से अगर आप देखेंगे जो इलेक्शन का जो मतलब होता है कि भाई किसको कितने वोट मिले, किसको ज्यादा मिले वो जीत गया, तो रिकॉर्ड में तो ये एज ए जीत की तरह ही दर्ज किया जाएगा, और सेलिब्रेशन भी विपक्षी पार्टियां जीत के लिए करेंगी। अगर माइक्रो रणनीति के ऊपर अगर हम जाएं तो मैं बोलूंगा कि बीजेपी के लिए ये कई मामले में फायदेमंद जो है। देखिए बीजेपी, मैं अभी भी बोलता हूं कि बीजेपी बड़ी होशियार पार्टी है। देखिए सबसे बड़ा आर्ट
क्या होता है राजनीति में या जिंदगी में, सबसे बड़ा आर्ट ये होता है कि आप अपनी कमजोरी को भी आप अपनी ताकत में बदल दीजिए। ये बीजेपी के पास बड़ा अच्छा हुनर है। देखिए अब बीजेपी सबसे पहला क्या होगा, अब इसके बाद इस जीत के बाद विपक्ष की ये हिम्मत नहीं होगी कहने की कि जी ईवीएम सेट कर लिया है बीजेपी ने। बिल्कुल। अब विपक्ष कैसे बोलेगा, बीजेपी तुरंत बोलेगी कि अगर जी ईवीएम में सेटिंग होती तो हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की हम सीट क्यों हारते। ठीक है, आजम खान साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आजम खान साहब बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में, और ये आप लोगों की कोशिश कामयाब हुई है, इसके लिए बहुत शुभकामनाएं आपको। भविष्य को कैसे देखिए? ये देखिए, हमारी कोशिशों से ज्यादा उस आम आदमी की कोशिश है, और थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट के चार जजेस ने ये कहा कि नाउ नेशन हैज टू डिसाइड फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तो जितना बुद्धिजीवी वर्ग था वो समझ गया था देश हाथों से जा रहा है। इसके अलावा आरएसएस चीफ ने कहा कि आर्मी को महाज पर पहुंचने के लिए 5 महीने लगेंगे और हम 3 दिन के अंदर पहुंच सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत ही पूरे नेशन के लिए घातक थी, तो ये सब उसके नतीजे हैं। वो तो है, हिंदू मुसलमान को लड़ाना जी, अपना उर्दू सीधा करना, लेकिन कहां इतने बड़े मुल्क में इतने पुराने इतिहास से इंसान को इंसान से लड़ाकर कैसे राजनीति हो सकती है, कैसे मुमकिन है, ये सब उसके नतीजे हैं। ठीक है, लेकिन ये बताइए आजम खान जी कि इसमें गठबंधन जो है वो आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुआ है कि आगे भी इस तरीके की? ये बेहतरीन इंसानों का गठबंधन है, अच्छा, दरिंदों का नहीं है जी। काट डालो, टुकड़े कर दो, फिर पेट्रोल से आग लगा दो। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहे कि काट डालूंगा सदन में, ये क्या भाषा है? ये सभ्य भाषा है? हथियार का जवाब हथियार से देंगे, ये मुख्यमंत्री की भाषा है? अहंकार ने अंधा कर दिया था जी। मानवता बिल्कुल चीख रही थी क्या हो रहा है, कहीं कहीं कुछ कब्रस्तान और शमशान में छपड़ा लगाएंगे, ईद और दिवाली को लड़ाएंगे, कहां ले जाएंगे? हमारी सेवैया कौन खाएगा, फिर आपकी गुजिया कौन खाएगा जी? कहां दिए जा रहे थे हिंदुस्तान को? बिल्कुल। तो इसमें ये बताइए कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट आगे भी आप लोग करते रहेंगे क्या इस विजय रथ को रोकने के लिए? देखिए, ये एक्सपेरिमेंट तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मैं उन लोगों में से हूँ जो 20 साल से इसके इंतजार में था कि दबे हुए लोग और सदियों से ठुकराए हुए लोग, अमानवीय लोग उनका शोषण कर रहे हैं, इन्हें दिन तो एक होना चाहिए ना। आखिर समझदार लोगों ने इन गरीबों के हाथों में हथियार देकर कितना नुकसान पहुंचा दिया। कभी तो मैं कहता था कि मैं चाहता हूं कि मेरे स्कूल बनाने और विश्वविद्यालय बनाने के पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो यही था कि मैं अपने बच्चों के हाथों से, मेरे बच्चे से आई डोंट थिंक मुस्लिम बच्चे, समाज के बच्चों के हाथों से हथियार लेकर कलम उनके हाथों में देना चाहता हूँ। देखो आप कितने बच्चे बच्चियों को पढ़ा रहा हूँ, आप देखेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि मेरे जैसा गरीब कमजोर आदमी मोहल्ले की एक गली में रहने वाला जो सपना भी लोग नहीं देख सकते हैं उसे पूरा किया है, इसलिए कि मेरी नीयत नेक थी, मेरा दामन पाक था। नहीं, लेकिन ये बताइए कि अब ऐसे में जबकि 2 सीटें सिर्फ आपके पास हैं, क्या जनता को आगे खुशी होगी कि उन्होंने आपको, आपकी पार्टी को मैंडेट दिया? हमारे अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, सेवा भाव बढ़ जाना चाहिए। हमने जो विकास के काम किए हैं लोगों को एक बार फिर उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इस एक साल में उत्तर प्रदेश सिर्फ विनाश के रास्ते पर गया। जो सड़कें बनाई थी उनकी रखवाली नहीं, जो पुल उखाड़ कर दिए गए, जो रंग उतर गया वो रंग नहीं किया जा सकता, जो बल्ब फ्यूज हो गए वो फ्यूज लग गए, जो ग्रिल टूट गई वो ग्रिल टूट गई। कहा था कि भूमाफियाओं से निपटेंगे, उत्तर प्रदेश की सारी जमीनें भूमाफियाओं का कब्जा कर दी, जबरदस्त इज्जत भूमाफियाओं का जाल बिछा हुआ है, इलीगल कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट अथॉरिटी के से बगैर नक्शे पास कराए हुए मेन रोड पर हाईवे पर काम जारी है, और बस सिर्फ एक काम है कि वो पार्टी का झंडा लगा देते हैं
और उसके साथ एक राष्ट्रीय ध्वज लगा देते हैं तो जाहिर है हर शब्द। नहीं आजम खान सर एक चीज ये बताइए, चलिए मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि भाई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी भी पार्टी को ये सब चीजें नहीं करना चाहिए, लेकिन कंस्ट्रक्शन लीगल हो या इलीगल हो, राष्ट्रीय ध्वज लगा देने पे सर क्या कोई भी आदमी अपने घर पे लगाए राष्ट्रीय ध्वज? मेरे भाई आप अच्छी बात कह रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज अगर कोई व्यक्ति अपने राजनीतिक ध्वज के साथ अगर इसलिए लगाता है कि वो नाजायज काम कर रहा है, उस पर कोई उंगली ना उठाए, तो क्या आप इसे सही कहेंगे? मैंने अपने विश्वविद्यालय में अखिलेश जी से इजाजत लेकर, जो उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज जिनेश्वर मिश्र पार्क में सबसे ऊंचा उत्तर प्रदेश का लगाया था, मैंने उनसे कहा कि अगर अपने विश्वविद्यालय में आपके ध्वज से ऊंचा लगा दूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? उन्होंने कहा नहीं मुझे खुशी होगी। मैंने उससे 7 मीटर ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाया है, तो क्या आप ये कहेंगे कि मैं छल कर रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं आपकी इस बात को तो मैं सपोर्ट करता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा काम है, लेकिन इस चीज को बीच में लाना कि भाई किसी वो कंस्ट्रक्शन लीगल है इलीगल है वो कोर्ट का मैटर है। राजनीतिक पार्टी और राष्ट्रीय ध्वज को इलीगल कंस्ट्रक्शन की जगह पर लगाना सही बात है? मैं सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, लीगल की नहीं। राष्ट्रीय ध्वज आप देखिए पूरे देश पूरी दुनिया में लोग किस तरह से राष्ट्रीय ध्वज के कपड़े तक पहनकर बनाकर पहनते हैं, किस तरह हाथों में लेकर नाचते हैं। वहाँ पर वो कानून नहीं है जो यहाँ पर है, वो राष्ट्रीय ध्वज को अपने घर घर दुकान दुकान बाजार बाजार लगाते हैं और वो दिन रात अपने ध्वज का जश्न मनाते हैं। क्या हम ऐसा करते हैं? क्या कासगंज की मिसाल आपके सामने नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज को बनाने वालों के साथ क्या सलूक हुआ क्या आपके सामने नहीं है? क्या ये लोगों को नजर नहीं आता ये सब क्या हुआ है? बिल्कुल आजम खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अब आपका कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आजम खान जी। तो सपा नेता आजम खान जो इस वक्त बता रहे थे कि ये जीत है, ये जनता की जीत है, जनता की कोशिशें कामयाब हुई हैं। और आइए बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया क्या कह रहे हैं, सुनिए। रखने वाली ताकतों को मजबूती मिली है, बाबा साहब के विचारों को अब हम लोग आगे ले जाने का काम करें। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इस बाइक पोल को हाथ मिला के बीजेपी के खिलाफ लड़ा है, क्या लगता है कि आपको ये जीत 2019 में भी इसी तरीके से मिलके आप लड़ेंगे? देखिए ये निश्चित तौर पर एक संकेत है कि जो भी संविधान के विपरीत काम करेगा, जो आम जनता के विपरीत काम करेगा, वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। इसलिए ये मोदी जी को सबक लेनी चाहिए। दूसरी चीज़, बहन मायावती जी हमेशा से बड़े मन के साथ, कभी वो सत्ता के लिए उनकी भूख नहीं रही, उन्होंने संसद से भी इस्तीफा दिया। हमारे कैंडिडेट, हालांकि हमने सबसे अच्छा परिणाम दिया था नगर पालिका और जो बाकी चुनाव हुए थे, हम सेकेंड हाईएस्ट वोट थे, फिर भी हमने बड़े मन से वहाँ पर उनका साथ दिया, समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे, और हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम करके उनको जिताया। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जीत है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी बहन मायावती जी के साथ परामर्श करके ये सब आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, पर बहन मायावती जी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं, बशर्ते कि ये सब लोग उनकी बात को ध्यान से सुने और समझें। ठीक है, तो सुधींद्र भदौरिया को आपने सुना, तो ये जो कहने का मतलब था एके मिश्रा जी, ये तो ये हुआ कि उम्मीद अभी बाकी है कि ये गठबंधन जो हुआ है और ये जीत है, इसमें हमने भी इनिशिएट लिया है, हमारा भी इसमें योगदान है, और आप हमारे नेता को भी अपना नेता मानकर चले, लेकिन ये इतना आसान होने वाला नहीं। भदौरिया जी ने जैसे अभी बोला, देखिए मैं प्रैक्टिकल चैलेंजेस, जब आप किसी चीज़ को अप्लाई करने जाते हो तो क्या प्रॉब्लम आती है, उन्होंने बोला कि भाई अब हम बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल ये उठता है कि लोहिया जी की विचारधारा आगे बढ़ेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा आड़ेगी, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि दोनों विचारधाराएं जा करके आपस में टकरा जाए और दोनों ही ना बढ़ पाए। क्योंकि बसपा का अगर देखें तो ये बोलेंगे कि जी हर जगह आप हाथी बनवाओ, हाथी के पार्क बनवाओ। समाजवादी पार्टी बोलेगी कि लेट्स पेंट द टाउन रेड, कि हर चीज को आप रेड करना शुरू करो, चाहे वो बस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे जो हो। देखिए यहाँ पे ये एक वक्त की ऐसी जरूरत थी अपनी अपनी जान बचाने के लिए कि इन दोनों लोगों ने, जो दो धुर विरोधी पार्टियां थी,
वो एक हो गई और ठीक है उसका रिजल्ट इनको पॉजिटिव मिला, लेकिन प्रैक्टिकल देखिए बीजेपी और बसपा का भी यूपी में गठबंधन हुआ था, लेकिन वहां पे क्या हुआ, ढाई साल मायावती जी ने पूरा कर लिया और जब बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो वहां पे उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। तो ये ऐसी चीजें हैं जब निजी इंटरेस्ट मतलब पर्सनल इंटरेस्ट पर्सनल पॉलिटिकल, ये देखिए ये एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि 2,35,254 वोट, एक बड़ा अंतर जो इस वक्त सामने आ रहा है। सीएम डिप्टी सीएम की सीट पर सपा को भारी बढ़त की इस वक्त खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 25वें राउंड की काउंटिंग है जो पूरी हो चुकी है और 25वें राउंड की काउंटिंग में सपा प्रत्याशी 38,498 वोट से आगे। अब तक 25वें राउंड की काउंटिंग जो है वो सपा को 2,71,000 से ज्यादा की बढ़त, बीजेपी भी 2,35,254 वोट बीजेपी को अब तक मिले हैं। 22वें राउंड की काउंटिंग गोरखपुर में पूरी हो चुकी है और फूलपुर में 25वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। जी एके मिश्रा जी, जी देखिए अच्छे है, आप ही के प्रोग्राम में मैंने एक चीज बोला था, एक लाइन बोला था, मुझे याद है, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी कि अगर बीजेपी दोनों सीटों पर भी हार जाए, जो कि अब ये होता हुआ दिख रहा है, मेरे ख्याल से शायद ये चीज किसी और ने नहीं बोली होगी और ये कुछ सोच के मैंने बोली इसका थी। इसका मतलब सिर्फ गठबंधन का वोट बैंक मिल जाना है ना, ये तो हम नहीं कह सकते कि बीजेपी को लोगों ने नकार दिया, ये तो वो चीज है कि एक रोटी चार हिस्सों में बट गई, तीन हिस्से एक हो गए, एक हिस्सा अकेला, ये प्योर स्ट्रेटजिक रिजल्ट है। मैं आपको बता दूं ये सिंपली ये है कि आप एक पाई को या एक रोटी को कितने पार्ट में बांट सकते हैं, और इसका एक और मतलब है, मैं आपको देखिए भारतीय जनमानस का जो स्वभाव है, मास अगर उसको लेंगे या क्राउड जो वोटर का होता है, ऐसा नहीं, देखिए वो तो एक दिन में भी पलट जाता है, एक हफ्ते में भी पलट जाता है, बशर्ते कि उस तरीके का माहौल या कैंपेनिंग किया जाए। मैं फिर से बोलता हूं कि भाई जीते हैं अच्छी चीज है, जो जीते हैं वो जश्न तो मनाएंगे ही मनाएंगे, लेकिन लॉन्ग और टर्म में अगर ये देखा जाए तो ऐसा नहीं है, ये अनंतिम है और ये ट्रेंड हमेशा आगे चलता रहेगा। इसके लिए अभी भी विपक्ष को बहुत काम करना है, कैसे गठबंधन बनाना है, क्या मुद्दे होंगे, कौन नेता होगा, ये सारे पर्सनल इंटरेस्ट जब कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू होंगे ना तो पता चलेगा कि वहां पे तो गठबंधन ही नहीं बन पा रहा है, बहुत सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं। ये एक बहुत लिमिटेड फेज का लिमिटेड लोकेलिटी में ये वार था, और लिमिटेड लोकेलिटी और लिमिटेड फेज का जो वार होता है उसके रिजल्ट उसके डायनामिक्स अलग होते हैं, और मास स्केल पे जब वार होता है जहां हर चीज ओपन होती है तो उसके डायनामिक्स और उसके रिजल्ट्स टोटली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये तस्वीरें और देख लीजिए, दर्शकों को हम दिखाते हैं कि देखिए अब होली भी होने लगी है, होली अभी निकल चुकी है लेकिन ये होली एक बार फिर से मनाई जा रही है, त्योहार एक बार फिर मनाया जा रहा है। ये होली और दिवाली का जश्न सिर्फ जीत का जश्न है सपा बसपा का, एके मिश्रा इसको हम ऐतिहासिक विजय कह सकते हैं जो पहली बार दो विरोधी पार्टियों ने मिलकर जीत हासिल की हो? नहीं, विजय को मैं ऐतिहासिक नहीं मानता हूं, लेकिन जो दो विरोधी पार्टियों का मिलन हुआ है ये अपने आप में ऐतिहासिक जरूर है। देखिए उसका रीजन है, अगर आप दो एक पार्टी का मतलब क्या होता है, पार्टी में कितने कंपोनेंट होते हैं, देखिए सबसे पहला कंपोनेंट होता है पार्टी की आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी पे पार्टी हमेशा चलती है, कोई डिसीजन लेती है। समाजवादी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो समाजवाद का है, लोहिया जी से लिया हुआ है। बसपा का जो अपनी आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों को फॉलो करती है। तो ठीक है, दोनों में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, दोनों में बहुत सारे पॉइंट सेव भी होते हैं। इसके साथ आप इंडिविजुअल देखिए, जो इंडिविजुअल तकरार होती है, गैप होती है, सपा बसपा में जबरदस्त इतने तरीके से विरोध रहे हैं, गेस्ट हाउस कांड इन सब चीजों के, ये सोचा नहीं जा सकता है कि दो इतने विरोधी जो है एकदम आ करके एक हो जाएं। ये ऐसे तो अस्तित्व खत्म हो रहा हो तो फिर तो हाँ, कोई नहीं, देखिए ये ऐसे ही है जैसे भारत और पाकिस्तान ये डिसीजन ले ले कि चलो जी अब हम फिर से एक होते हैं, हम अमेरिका से कंट्री है, अमेरिका से हम अमेरिका से भी बड़े हैं। तो ये अब इसके पीछे मोटिवेशनल फैक्टर क्या था, इसके पीछे पार्टी हो, इन सबको एकत्रित करके वोट बैंक को एक करके
यहाँ के ऐतिहासिक जीत को प्रचंड बहुमत ने जीतने का काम किया है, इस चीज के लिए मैं, मेरा नाम मोहम्मद भाई, मैं समाजवादी पार्टी और बीएसपी सब एक साथ मिलकर के यहाँ सड़कों पे हैं, एक साथ है, क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि जितनी भी हमारी हमारे लोगों की जो कमजोरी थी, आज हम लोग सारे लोग छिटके हुए थे, सब लोग एक हो गए, एकता में इतनी ताकत थी कि आज भारतीय जनता पार्टी को उसी की जमीन पे शिकस्त दे दिया। आज सीएम मुख्यमंत्री यहाँ से आते हैं, संजय निषाद। तो मिश्रा जी, ये खुशी वाकई इनके लिए तो बहुत बड़ी खुशी है, जो कार्यकर्ता हैं ऐसे मोदी राज और योगी राज में जब समाजवादी पार्टी दो सीटें निकाल ले जाए, वो भी गढ़, तो ये पागलपन तो हो नहीं है। नहीं देखिए, मैंने आपको बोला नहीं, ये इसको देखिए क्या है, जब कोई जीतता है तो उसको खुशी मनाने का भी अधिकार होता है, और इस हद तक तो, जश्न के आप दीवाने हो जाए उस जश्न। नहीं नहीं देखिए, जश्न मैं आपको एक चीज बता दूं, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है। भारत भूमि अपने आप में जश्न का, तीज का, त्योहारों की भूमि रही है, और यहाँ पे हर छोटी छोटी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से लाइफ को एंजॉय किया जाता है, चाहे एक मतलब घर में किसी की पैदाइश हो या कुछ भी हो। तो मैं मानता हूं कि अगर ये लोग जीत रहे हैं तो डेफिनेटली ये इनका अधिकार है कि ये जश्न को मनाया जाए, और हर जीत, चाहे वो आप देखिए, चाहे आप एक साल के बच्चे हो, चाहे आप 80 साल के बुढ़े हो जाएं, जीत का अपना एक ही टेस्ट होता है, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जीत का पड़ता है वो ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और जश्न मनाना लाजमी है, और इनको बधाई देनी चाहिए कि आप जश्न मनाइए। ये जश्न अभी कुछ और दिनों तक चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूटी रहेगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर जीते हैं तो डेफिनेटली ये जश्न का और उत्सव का मौसम है, मौका है ये उन पार्टियों के लिए, उन लोगों के लिए जो लोग ये जीते हैं। लेकिन इस सीट पर फूलपुर और गोरखपुर में जनता का भविष्य क्या होगा? नहीं देखिए, देखिए सबसे बड़ी विडंबना तो यही है, मैं तो आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि कोई भी सरकार। चलिए मैं लौटता हूँ आपके पास, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता फोन लाइन पर। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। जी कैसे लेंगे सर इस परिस्थिति को, जनता का ये जनादेश जो मिला है आप लोगों को, कैसे समीक्षा करेंगे उसकी? निश्चित तौर पर जनता का जनादेश तो सरमाथे पर, अपेक्षा के विपरीत परिणाम उसकी समीक्षा, और उससे सीख लेकर भविष्य का सुधार। अभी मैं ओवर हियर किया था आपके ऊपर कि जनता का भविष्य क्या होगा। जनता का भविष्य बिल्कुल सुखमय होगा, कभी भी जनता का भविष्य गड़बड़ नहीं होता। सरकार कोई रहे, सामान्य जनता के लिए काम करती है, वहां पर सांसद कोई रहेगा, लेकिन चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो और चाहे केंद्र की सरकार हो, इस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया नहीं जा सकता और ना करने की भाजपा की सरकार सोच सकती। लेकिन अगर सपा के सांसद काम करेंगे, आप उनको मदद करेंगे, तो वो तो श्रेय खुद लेंगे, वो श्रेय प्रदेश सरकार कैसे लेगी? नहीं नहीं, श्रेय तो जो उनकी सांसद ने दी है उसका लेंगे, शेष तो भारत सरकार की या राज्य सरकार की योजना का होगा। और स्वाभाविक अगर वो सक्रिय होंगे, तालमेल और व्यवहार में ठीक रहेंगे, तो निश्चित तौर पर मुझे भरोसा है कि अगर वो श्रेय लेते हैं और क्षेत्र में विकास होता है तो कोई इसमें अतिशयोक्ति भी नहीं है और कोई इसमें दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। तो उसका फायदा किसको मिलेगा फिर? इससे क्या फर्क पैसा है, जिस सरकार का है फायदा शेयर होगा, ये तो पेनल्टी कॉर्नर मिलेगा, कौन गोल में तब्दील कर पाता है किस वक्त, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी कि लेकिन जनहित पर अपना फायदा सोचकर जनहित पर भारी पड़े ये नहीं ठीक है। जनहित की रक्षा करना सांसद विधायक किसी भी दल का हो, सरकार का कर्तव्य है आम जनता की रक्षा करना, वो ना करना भी चाहिए। क्या आप लोगों ने ये उम्मीद की थी जो नतीजे आए, क्योंकि हम भी लगातार समीक्षा करते रहे गठबंधन की खबर से लेकर? नहीं की थी, लेकिन आया है, कड़वा सच है, स्वीकार भी करेंगे और इसका भविष्य में सुधार भी करेंगे। क्या आगे गठबंधन की ताकत के आगे आप लोगों की रणनीति बदलेगी? गठबंधन की ताकत आज क्या थी, क्या कारण था, एक बड़ा कड़वा सच बता दूं, मायावती जी ने तो अपना वोट ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जहां पर मायावती का कैंडिडेट होगा वहां पर सपा अपना वोट ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। अब ये तो लक्ष्मीकांत जी देखिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और ये उनके आपसी सामंजस्य हाइपोथेटिकल है कि अगला भविष्य क्या होगा, वो आज की तारीख में हाइपोथेटिकल है, उपचुनाव को इतना बड़ा वो नहीं है जिसके आधार पर भविष्य के लिए कोई स्थायी लकीर खींच ली जाए। नहीं लेकिन आईना तो देख है ही ना लक्ष्मीकांत जी, आईना तो आईना है। मैंने कहा ना कि जनता का निर्णय शर्माते पर समीक्षा करेंगे, सुधार करेंगे और 2019 को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये जो जीत है टेक्निकल जीत है, यानी कि
एक रोटी के चार हिस्से हो गए, तीन हिस्से मिल गए, आप अकेले पड़ गए, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। ये टेक्टिकल जीत है, अगर टेक्निकल वर्ड में बोलेंगे तो ये मियरली टेक्टिकल जीत है। टेक्टिकल जीत आगे तक खड़ी रहेगी, इसका मुझे भरोसा कम है जरा। तो इसके लिए फिर आप लोगों को अपनी रणनीति में बदलाव तो करने ही पड़ेंगे ना, सिर्फ जनता के बीच जाकर होगा, जरूर किया जाएगा। और हम ये नहीं कह सकते कि जनता नाराज थी आपसे। नहीं, जनता की नाराजगी नहीं, कहना कि वो तीन रोटी और एक टुकड़े का सवाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय हमें देने के लिए, हिंदी खबर से बात करने के लिए। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, बीजेपी नेता, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये समीक्षा का दौर है, समीक्षा की जाएगी, अभी नतीजे आने बाकी हैं। अभी 20वें 22वें 25वें राउंड की काउंटिंग जो है वो खत्म हुई है गोरखपुर में, फूलपुर में। लगभग सवा दो लाख वोटों से ज़्यादा समाजवादी पार्टी यहां पर आगे चल रही है। नतीजे में आपको लगातार बता रहे, बीजेपी गोरखपुर में 294,947 वोट बीजेपी को मिले हैं गोरखपुर में। फूलपुर में 26वें राउंड में सपा प्रत्याशी 39,681 वोट, और फूलपुर में 25वें राउंड तक सपा को 281,445 वोट अब तक मिले हैं। इसके अलावा फूलपुर में 25वें राउंड में बीजेपी को 241,764 वोट से आगे है। गोरखपुर में 21वें राउंड की तक काउंटिंग में सपा प्रत्याशी जो है वो 26,146 वोट से आगे चल रहे हैं। गोरखपुर में 21वें राउंड की काउंटिंग तक सपा को 321,000 के आसपास वोट से वो आगे चल रहे हैं। तो एक मिश्रा जी, ये जैसा कि आकलन अगर हम करें तो ये बात सच है, मतलब बीजेपी ने काम किया नहीं किया, जनता उन्हें नकार रही है, स्वीकार कर रही है, समाजवादी पार्टी के काम का जनता ने उनको इनाम दिया है, गठबंधन की शक्ति कम से कम दिखी है, और इस पर बीजेपी को अपनी आगामी स्ट्रेटजीज पर काम करना पड़ेगा समीक्षा से ज़्यादा। नहीं देखिए, मैं आपको बता दूं, एक पूरे इलेक्शन कैंपेन को मैनेज करने के लिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरे इलेक्शन कैंपेन को चार पार्ट में बांटा जाता है, स्ट्रेटजिक, टैक्टिकल, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल। स्ट्रेटजिक का मतलब आप समझते हैं, जहां स्ट्रेटजी बने। टैक्टिकल का मतलब होता है कि ग्राउंड लेवल पे उस एरिया में आप अपनी स्ट्रेटजी को, अपने प्लान को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए, रणनीति सबने अपने अपने समझ के अपने हिसाब से बनाई थी, सपा बसपा की जो रणनीति थी वो भी सही रही, और ग्राउंड लेवल पे इन्होंने उसको एक्टिवेट या इंप्लीमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से किया। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, इन कंपैरिजन ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी में आंतरिक समीक्षा भी बहुत गंभीरता से होती है, इस चीज को मानना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एक दो इलेक्शन जब ये हार गए थे दिल्ली का और बिहार का, तो इन्होंने अपने पूरे रणनीति में आमूलचूल परिवर्तन किया। दूसरी पार्टियों में मुझे थोड़ी इसकी कमी नजर आती है, वो समीक्षा को बस ऐसे ही बैठ के कर लेते हैं और एक प्रेस रिलीज उन्होंने कर दिया कि भाई ये रहा वो रहा, वो हार को मानते भी नहीं है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैं आपको फिर बता दूं, बीजेपी की जो सेंट्रल कमांड है इस इलेक्शन की हार या जीत के मायने को बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है सर, भले ही कुछ भी हो, सारी चीजें हो। तो ये चीजें ऑलरेडी यहाँ पे, इनकी जीत जो विपक्षियों की हुई है वो बहुत ज्यादा इस चीज पे भी निर्भर करती है कि जो बीजेपी थी, जो मेन इनके अपोनेंट थे, उन्होंने कितना सीरियस इफर्ट वहां पे डाला है। तो ये दिखता है कि कितना सीरियस इन्होंने इफर्ट डाला है, क्योंकि सेंट्रल टीम से सपोर्ट नहीं था, सब कुछ लोकल लेवल पे होना था। और ऐसा नहीं है सेंट्रल टीम ने जानबूझ के सपोर्ट नहीं दिया, लोकल इलेक्शन है तो लोकल लोगों के ही वहां पे सारे मैनेजमेंट, स्ट्रेटजिक और टैक्टिक्स लगती है, उतने इक्विपमेंट, टूल्स एंड टेक्निक उतना मास लेवल पे नहीं होता है। मैंने आपको बोला है, लिमिटेड वॉरफेयर एंड ओपन या फुल फ्लैग वॉरफेयर में टोटली बहुत डिफरेंस होता है। तो ये लिमिटेड वॉरफेयर था, और लिमिटेड वॉरफेयर में जैसे गुरिल्ला वॉरफेयर आप देखिए तो वहां पे जो लोकल लोग हैं, वहां के रहने वाले, वही लोग जीतते हैं, क्योंकि वहां के लोकल सारी चीजों को वो जानते हैं, रास्तों को, जंगल को, इन सब चीजों को। मास लेवल पे अगर वार होता है तो मास लेवल पे एक प्रोफेशनल्स जो होते हैं बहुत बड़े लेवल पे करने वाले, वो लोग जीतते हैं। तो ये एग्जाम्पल, ये रिजल्ट, ये इलेक्शन, ये जो दोनों है, ये एग्जाम्पल इस चीज के बहुत बेहतर एग्जाम्पल है कि मास लेवल पे जो होता है और जो एक टेक्टिकल लेवल पे होता है, एक लिमिटेड एरिया में जो वॉरफेयर होता है, दोनों में फर्क क्या होता है, ये बेस्ट एग्जाम्पल हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। इसमें, इस पूरे इलेक्शन में, चलिए हम बात बसपा की और सपा की कर रहे हैं, हमें इस बात को भी नहीं भूलना है कि पिछला विधानसभा चुनाव में गठबंधन कांग्रेस के साथ था, अभी आप बसपा के साथ आ गए हैं। 2019 में क्या होगा इसका पता नहीं है, हालांकि सोनिया गांधी की डिनर डिप्लोमेसी डिनर में समाजवादी पार्टी और बसपा की तरफ से हालांकि कोई नहीं पहुंचा, सिर्फ नुमाइंदे उन्होंने भेजे हों वो एक अलग बात है। तो कुल मिलाकर क्या आगे की भविष्य आप किस तरीके से देख पा रहे हैं कि 2019 में ये सरकार को रोकने के लिए, बीजेपी के इस विजय अभियान को रोकने के लिए क्या स्थिति बन सकती है?
नहीं देखिए बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर इसको देखिए बहुत डिटेल इस पे तो पूरा एक प्रोग्राम हो सकता है कि स्ट्रेटजिक यूएसपी बीजेपी का क्या है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर बीजेपी में ऐसी क्या खास बात है कि वो हर जगह चुनाव जीतते चले जा रहे हैं, ऐसे क्या नेचुरल फैक्टर है, उन्होंने क्या स्ट्रेटजिक चेंजेस किए हैं, उनकी टैक्टिकल यूएसपी क्या है, उनकी टेक्निकल यूएसपी क्या है और उनका ऑपरेशनल यूएसपी क्या है। देखिए अगर गठबंधन हो भी जाए तो एक क्वेश्चन मार्क और होता है। मैं बोलता हूँ आप देखिए सेकंड वर्ल्ड वॉर में या बहुत सारी जगहों पे देखिए कि कई सेनाएं मिल गई या सारी चीजें हुई, लेकिन जीत किसी और की होती है। जीत केवल गठबंधन या बहुत बड़ी संख्या के कारण ही निर्भर नहीं होती है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा दल है। जीत जो है स्ट्रेटजी, रणनीति, टैक्टिक्स, इम्प्लीमेंटेशन के तरीके पर भी निर्भर करती है। यही रीजन है कि जब इन्होंने बीजेपी ने बदला तो 60-70 साल से जो कांग्रेस का सपा बसपा का शासन था इन्होंने उखाड़ फेंका उसको, क्योंकि वो स्ट्रेटजिक एंड टैक्टिकल जीत थी वहां पे। तो लोकतंत्र की ये एक बहुत बड़ी यूएसपी होती है जो समझना चाहिए कि लोगों के मनोभावों को, मास साइकोलॉजी को समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, रणनीति बनाना अपने अंदर ऑफिशियल। उसमें अगर देखा जाए तो जो इनको चेंजेस लाने होंगे सारी पार्टियों को, जो उनका क्रियान्वयन करने के लिए जो उनको फोर्स चाहिए होती है, मैन पावर चाहिए होती है, वो अभी भी उन लोगों के यहाँ उतना डेवलप नहीं है। तो उसको डेवलप करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। अपने नेटवर्क को बनाना, रिवाइव करना, कॉन्टिन्यूस वे में उसको जो है प्रोडक्टिव बनाना, ये सारे ग्राउंड लेवल के बहुत चैलेंजिंग काम है। और मुझे ये लगता है कि एक साल का टाइम इतना सफिशियंट टाइम नहीं है कि इतनी तेजी से ये काम करें। देखिए बीजेपी ने 2014 के इलेक्शन के 2-4 साल पहले से ये चीजें शुरू कर दी थी। और बीजेपी के पास एक बहुत एडिशनल मैन फोर्स है, मैन पावर है, आरएसएस, तो उन आदमियों को लगा करके वो बहुत तेजी से काम कर लेते हैं। यहाँ पे इन चीजों का अभाव मुझे विपक्ष के पास दिख रहा है, जो कैडर बेस की अगर मैं बात करूं। और उसके बाद इन सारी चीजों को टेक्नो सेवी बनाना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और स्ट्रेटेजिक ब्रेन लाना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्वेश्चन ये है कि लिमिटेड टाइम में अगर ये देखा जाए, दिसंबर जनवरी में इलेक्शन हो जाएगा तो 7-8 महीने 9 महीने बचे हैं, तो इस महीने में आप अपने आप को ओवरहॉल कर पाओगे कि नहीं, आप मॉल्टिंग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो ये चैलेंजेस है प्रैक्टिकल। और इसको देखना है कि विपक्ष की पार्टियां और इसके साथ साथ इंडिविजुअल जो अपने इंटरेस्ट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट, जो मैंने बोला कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा जी, विपक्ष का ये पक्ष का या विपक्ष का लीडर कौन बनेगा, इस सीट पे कौन लड़ेगा, किसके खाते में ये सीट जानी चाहिए, ये बड़े प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो चलिए अपडेट आपके पास लेकर आते रहेंगे, अभी काउंटिंग लगातार चल रही है, क्या रुझान, क्या नतीजे निकल कर आते हैं, हिंदी खबर आपको बताता रहेगा, आप देखते रहिए हिंदी खबर। फिलहाल हमारी इस पेशकश में बस इतना ही, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे।